Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. यमुना ने लगाई आग तो द्वारका भाई साहब कर बैठी ये बहुत बड़ी गलती। नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, कौन सी गलती कर बैठी है? तो आपने कमिंग अप में देखा है कि कैसे वो ये पढ़ाती है। पहले तो आज के एपिसोड में आपने देखा है कि जब अहिल्या खंडेराव को बता रही है, पहले उनकी आई साहब के बारे में बता रही है कि वो फिक्र करती रहती है कि आपके बारे में कि कोई आपकी गद्दी छीन ना ले, आप राजा बनेंगे कि भी नहीं बनेंगे, वो दोनों की एक डिस्कशन होती है। वो कहता कि आई पता नहीं क्यों मेरे बारे में ये सोचती है। तो अहिल्या ये भी कहती है पहले कि आई, ये जो आई होती हैं ये ऐसा सोचती हैं, मेरी आई भी सोचती है, मैं पूछती हूँ कि आई क्यों सोचती है, आई क्यों सोचती है। तो खंडेराव कहता है कि हाँ शायद से ये भी सही बात है, तो मेरी आई सोचती है तो आपकी आई भी तो ऐसा सोचेगी। फिर अहिल्या ये कहती है कि आप ना, एक बात कहूँ आपको कि आप किसी की बात में मत आया करो, आना तो हमेशा सतर्क रहना। मेरे आजी कहते थे कि ये कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो किसी के ऊपर भी आंख मूंद के ऐसा विश्वास ना करो, किसी की भी बातों में मत आओ, ऐसी तरीके चीजें कहती है। खंडेराव हाँ में सर हिलाते हैं, क्योंकि आजकल खंडेराव के मन में अहिल्या की बातें बहुत जल्द पहुंच जाती हैं और वैसा ही वो करते हैं। तो ये दोनों फिर चले जाते हैं, तो पर्दे के पीछे से पीछे ओट से जो है निकलती है यमुना, और यमुना है परेशान। यमुना परेशान है, उसके बाद यमुना कमिंग अप में हम देखते हैं कि यमुना अब द्वारका भाई साहब के कानों में ये कह रही है। यमुना बात का बतंगड़ पंख की डाल तो बनाती है, लेकिन अपने हिसाब से बात को सुनाती है कि आपके बारे में ये कहा, तो द्वारका भाई बहुत जल्दी भड़क जाती है कि किसी की बात भड़कना मत, कोई तेरी गद्दी छीन लेगा, आपके जावेद साहब के बारे में ऐसे बोल रही थी, तो ये सब चीजें वो कह देती है। और ये जो है उसका सॉफ्ट टारगेट है, उसका जो है जो कहते हैं कि एक पॉइंट है जिसके ऊपर पिन कोई करे तो वो बहुत जल्दी भड़क जाती है द्वारका भाई साहब। तो द्वारका भाई साहब उसके बाद अहिल्या से सीधा भिड़ती हुई दिखाई देती है कि तुम्हारी जो प्लानिंग है तुम करो, आज के बाद से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उस तरीके व्यंग से वो सारी चीजों से वो करती आई, अभी कहती है कि हमारे और जावेद साहब के मामले में तुमने दखलंदाजी की तो बहुत बुरा होगा। अब ये बातें अहिल्या जब शेयर करेगी खंडेराव उसके साथ या फिर गौतमा भाई साहब के साथ, दूसरी बात यह है कि अहिल्या के दिमाग में जावेद साहब का ऐसा कुछ था ही नहीं, उसने एक नॉर्मल बात की कि किसी की भी बातों में मत आना, तो ये अहिल्या को उन्होंने एक लीड दे दी है। अब अहिल्या को जो है तार से तार मिलाना में तो मास्टरी अहिल्या की। आप अहिल्या सोचेगी इसके ऊपर कि इन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, जावेद साहब के बारे में ऐसा क्यों कहा, फिर वो उस एंगल से चीजों को देखना शुरू कर देगी और ये खुद ही अपने पत्ते खोलने शुरू कर दे द्वारका भाई साहब ने। मुझे लगता है कि इतनी जल्दी यमुना की बातों में आके ये कर दी है द्वारका भाई साहब ने, बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती, जिसका कि खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। क्या कहते हो, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।